अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज, आप ही के अपने YouTube चैनल यूनानी ज्ञान से। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे बखैरियत होंगे और हमारी बताए नुस्खों से फायदा जरूर उठा रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इत्रिफल उस्तुखुद्दूस के बारे में। बहुत ही शानदार ये दवाई है दोस्तों, इत्रिफल उस्तुखुद्दूस, हमदर्द, रेक्स, तिबिया, सभी कंपनियां इसको यूनानी की बनाती हैं। मेरे पास ये रेक्स का है दोस्तों, बात कर लेता हूँ। 125 ग्राम की कीमत 70 रुपए में ये रेक्स का मिल जाता है, हमदर्द का इससे थोड़ा सा महंगा आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि किन किन बीमारियों में काम करता है। ये नर्वस सिस्टम को ताकत देता है और जो आपकी आंतें हैं उन्हें ताकत देता है। सबसे जो मेन काम इसका दोस्तों, आंतों में बढ़िया बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है और नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, ब्रेन को मजबूत करता है दोस्तों। उसकी वजह से सर में जो दर्द रहता है, माइग्रेन का दर्द है, उसमें बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है। और दोस्तों सर का दर्द किसी भी तरह का हो सकता है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट रखता है। हल्का कब्ज गुस्सा है, हल्का कब्ज में भी आराम करता है और भी कई तरह की बीमारियों में काम करता है। नजला अगर हो जाता है कई बार, उसमें भी बहुत अच्छा आराम करता है। नजला, जुकाम, खांसी की भी बहुत अच्छी दवाई है और ब्रेन को तो जैसे मैं बताया कि ताकत देता ही है दोस्तों। तो अब बात कर लें तो दोस्तों इसके कंपोजिशन के बारे में, क्या क्या इन्होंने इसमें डाला हुआ है। पोस्ट हलीला जर्द इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ, पोस्ट हलीला काबुली है और हलीला सिया इसमें इन्होंने डाला हुआ है, पोस्ट बलीला है और आंवला और उस्तुखुद्दूस जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन इस फॉर्मूले में इसे नाम रखा गया। गुलेसूर किसके अंदर है, अमर बेल, रोगन बादाम है, किशमिश और शहद मिलाकर इसे बनाया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आंतों के लिए बहुत ही बढ़िया, ये बहुत अच्छा काम करता है और ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। जिन लोगों को चक्कर घुमेर की शिकायत है या सर में दर्द रहता है या मौसमी जो हल्का फुल्का दर्द रहता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर इस तरह की बीमारी से आप परेशान हैं तो आप इत्रिफल उस्तुखुद्दूस इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में, इसके डोज के बारे में। एक चम्मच आपने सुबह में लेना है और एक चम्मच आप शाम में ले सकते हैं। 5 से 10 ग्राम आप एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यूनानी दवाई है, पूरी तरह से सेफ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और लोग भी इससे फायदा उठाएं, हमारे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल यूनानी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ सुझाव हमसे लेना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।